1975 कश्मीर भारत पाकिस्तान की सरहद का इलाका। यहाँ आओ। डॉक्टर पियर कहाँ है? मुझे तो वो आदमी पागल लगता है, उसे वहीं मर जाना चाहिए। जो पूछा है उसका जवाब दो। डॉक्टर पियर कहाँ है? मैंने उसे कई बार कहा कि दुश्मन जाग जाएगा, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। यहीं रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ, समझे तुम? कहीं जाना मत, भला इसी में है। पाकिस्तानी फौजें यहां आ रही हैं। तुम मेरी मदद करोगे? डॉक्टर पिया आप चलिए। डॉक्टर पिया आप ठीक तो हैं? आप ठीक तो हैं? डॉक्टर पिया रशीद वो देखो। यही है वो रशीद, गौर से देखो वो गरुड़। डॉक्टर वो बहुत भयानक लगता है, चलिए इन धमाकों से चट्टाने कभी भी गिर सकती हैं। मुझे छोड़ो। नहीं, जाने दो मुझे। बचाइए डॉक्टर। बचाऊंगा। रुक जाइए डॉक्टर। छोड़ो मुझे, आगे खतरा है डॉक्टर। तुम जाओ। प्लीज डॉक्टर छोड़ो, आगे जाइए मत डॉक्टर। रुकिए, मेरी बात सुनिए डॉक्टर। नहीं छोड़ो मुझे, आगे खतरा है, हमें यहाँ से निकलना होगा डॉक्टर। डॉक्टर रशीद।
तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। बैंकॉक के 80 फीट नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन की एक सुरंग। क्या? ओए! टॉस, जरा ये देखो जल्दी। क्या है? अरे ये तो देखो, जीपीएस के मुताबिक यहाँ ठोस चट्टान है, पर ये तो नामुमकिन है। बैंकॉक में तो चूना पत्थर है। क्या है ये जीपीएस? क्या है जीपीएस? वही 400 करोड़ का उपग्रह जो हमारे सर के ऊपर घूम रहा है। तुम तो पागल हो गए हो। जरा दिमाग से काम लो। इतनी ऊपर से वो नीचे कैसे देख सकता है? हाँ हाँ, जल्दी करो, हमें घर जाना है। चलो चलो जल्दी बटन शटन दबा दो अभी। और ये तो ठोस चट्टान है, तुम अंधे हो क्या? कहाँ खो देंगे? ये देखो इस चमत्कारी उंगली को, ये गया। समझे? फिकर नॉट, मर गए। अरे ये तूने क्या कर डाला बेवकूफ, कहीं के मेरी तो नौकरी ही गई, मर गए। फिकर नॉट दोस्त, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब ठीक हो जाएगा? बकवास करते हो तुम। अब इस लल्लू को कैसे समझाऊं? यार मुझे यकीन नहीं होता, ये तो बुरा हुआ, ये तो टूट गया। छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? कैसे सकता है? इस ड्रिल की कीमत तो 40 करोड़ है। क्या? इतना कुछ करने के बाद भी काम नहीं बना, कमाल है ना? हाँ? हाँ? तेरी? ओ नहीं, हम तो बुरी तरह फंस गए। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरो नहीं। मारे गए। ये सब थेरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म का हिस्सा है जो 15 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में था। बड़े थेरोपॉड जैसे ओवरैप्टोरिडे और ऑर्कियोप्टेरिक्स गैस्ट्रोनस युग में ये बताते थे कि पंख वाले डायनासोर विकासशील थे। ऑर्कियोप्टेरिक्स मुझे वो टेप चाहिए था। उसने दुनिया पर सबसे ज्यादा राज किया। वो क्वार्टनरी युग तक जिंदा थे, तब उनमें और विकास हुआ और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस या एप्स बन गए जो 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज थे। जरा सोचिए, 50,000 साल पहले वाले आदमी ने इस विशाल जीव को जरूर देखा होगा जो थेरोपॉड डायनासोर से विकसित हुआ था और जो गैस्ट्रोनस जैसा था। ऐसा होने में 5 करोड़ साल लगे थे, ठीक इंसान की तरह। पर वो कैसे दिखते थे ये अब तक कोई नहीं जान पाया। यूरोप में गैस्ट्रोनस अपर पेलियोसीन युग से लेकर 5 करोड़ साल पहले तक जिंदा थे, लेकिन उसका शरीर बहुत ही बड़ा था और उसका कद कम से कम 12 फीट था। उसके बड़े बड़े पंख भी थे। समझे? मेरी यूनिवर्सिटी आजकल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और रिसर्च में लगी हुई है, तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपके प्रवासी डैड डॉक्टर
डॉक्टर पियर जॉवेर के सिद्धांत की सच्चाई को समझें। अगर आप हमें इजाजत देते हैं तो हमारी टीम थाईलैंड में मेरे डैड की खोज को साबित कर पाएगी, जो आर्कियोलॉजी के लिए फायदेमंद साबित होगी। उनका ज्यादा काम पेलियोंटोलॉजी से जुड़ा हुआ था। आपके कागजों के मुताबिक मैं समझता हूँ कि आप थाई बिल्कुल नहीं है। जी, मेरे डैड फ्रेंच थे पर माँ थाई थी। पर तुम पूरी तरह से थाई नहीं हो। उससे कोई परेशानी है? हमारी पॉलिसी बहुत सख्त है, ये इजाजत हम नहीं दे सकते। हमारी कमेटी आपको यहाँ थाईलैंड में खोजबीन की मान्यता नहीं दे सकती। गुड आफ्टरनून। समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास सारे इंतजाम हैं। लीना, हमें खोजबीन की इजाजत दे दीजिए, इससे हमारे देश का फायदा होगा। लीना, पर अंकल विचाय। मेरे बच्ची, मेरी बात समझो। थाईलैंड में खोजबीन की इजाजत मिलना एक संवेदनशील मामला है, हम कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों है? सांस्कृतिक व्याख्या सिर्फ हमारे अपने ही लोग कर सकते हैं, ऐसे चला रहा है। दुर्भाग्यवश तुम इसके लायक नहीं हो, मुझे माफ करना। पर मैं थाईलैंड में पैदा हुई और बड़ी हुई। ये बिल्कुल सही है, पर तुम्हारे पिता फ्रेंच थे इसलिए तुम आधी थाई हो। लेकिन ये विषय धार्मिक मान्यता का है। ये सही नहीं है, ये विज्ञान है, धर्म नहीं। का सामना क्यों नहीं करते? रहम और अंधविश्वास में कब तक घिरे रहेंगे? मैं जानता हूं तुम सही, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत का इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा करते हैं, हम दोबारा यह प्रस्ताव कमेटी के सामने रख देते हैं, हैं? और इस बीच अच्छा होगा कि तुम और तुम्हारा ये दोस्त कला सिंह की खुदाई की जगह पर काम शुरू करो, अपने ज्ञान और काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करो, इससे इस काम में मजा भी आएगा। जरूर। ओ, समझदार हो। हाँ, वो तो हूँ। अच्छा। जीवाश्म फ्रियोंजुसोरस डायनासोर का है। ये 1984 में मिला था। ये बहुत साल पहले की बात है, जो क्रिटेशियस युग के अंत में हुआ करता था। आज से तकरीबन 15 करोड़ साल पहले इनका शरीर बड़ा होने के बावजूद भी लचीला था। ये चार पैरों पर चलता था, तो ये क्वाड्रापेड था। क्वाड्रापेड यानी चार पैरों वाला। रीढ़ की हड्डी खोखली हुआ करती थी, इसीलिए यह हल्का था और साथ ही तेज भी। यह बहुत बहुत तेज दौड़ सकता था।
अच्छा ये बताओ तुम में से कोई इतना तेज है? और उसकी गर्दन बहुत लंबी थी। वैसे दूसरे डायनासोर्स की गर्दन भी लंबी होती है जैसे सौरापॉड्स। ये शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी मतलब वो पालक खाता है? क्या कहा तुमने, पालक? यानी पॉपाई की तरह? फिर से कहो। इसे सारे डायनासोर्स का परदादा कहते हैं। सच में? सारे डायनासोर्स का परदादा? वो इतना बूढ़ा था? और दादी का नाम ऑलिव था क्या? पता नहीं। किसी को इस वाले का नाम पता है? मुझे पता है। चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। मुझे भी पता है, टायरानोसॉरस रेक्स। टायरानोसॉरस तो बहुत बड़ा होता है। देखो देखो इसके पैर, देखो ये देखो, मुझे डर लगता है। इसे तुम जैसे छोटे छोटे बच्चे पसंद हैं। सच में? तुम्हें सब पता है। अच्छा, पर वो रात में जिंदा हो जाता है। अच्छा, सच कह रहा हूँ। मुझे भूख लगी है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। रुको रुको, मस्ती मत करो। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो लीना, मैं विच्चे बोल रहा हूँ। हाय अंकल। शरारत करोगे तो मैं तुम वापस आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके तो आज ही। एक मिनट रुकिए, पर कहाँ आ जाऊँ? वापस बैंकॉक आ जाओ अभी, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण है लीना। मैं आज नहीं आ सकती, अगर मैं कल सुबह आ जाऊँ तो कैसा रहेगा? मेरे आदमी तुम्हें लेने आ रहे हैं। बैंकॉक, वक्त शाम के 7 बजे। इस तरफ आइए। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? अंकल विचाय कहाँ है? अभी पता चल जाएगा, डॉक्टर विचाय आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी ये खोजबीन जरूर हमें एक दिन बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। आइए, चलो चले। सारा काम रुका हुआ है, मजदूरों को हटा दिया गया है। अगर आपको कोई जरूरत हो तो हमें बताइएगा। लीना। हेलो। अच्छा हुआ तुम आ गए। अंकल भला ऐसी क्या बात होगी जो आपने मुझे लाने के लिए ये पूरी फौज भेज दी? मैं कुछ समझी नहीं। लीना कुछ दिखाना है तुम्हें? अभी नहीं डॉक्टर। जी सर। लीना नहीं, भूपन तसछाए पंत्री कैसा? इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। तो कमांडर, ये है लीना और ये उसका दोस्त टिम है। एक विदेशी और एक आधी थाई, ये तो पूरे थाई भी नहीं है, तभी तो इतने अजीब विचार हैं इनके। क्या मतलब है? हमारे थाई होने ना होने से आखिर क्या फर्क पड़ता है? जबान बहुत चलती है इसकी। गए हैं, हम नीचे आ रहे हैं। आओ उनके पीछे चलें।
करो, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं सच कह रहा हूँ, जरा उन सिपाहियों को देखो और उनकी बंदूकें देखो, ये आग उगलने वाले हथियार हैं, ये आम सेना के हथियार नहीं है जो हम देखते हैं। तो क्या? इतने आधुनिक हथियार, या तो ये विद्रोही है या फिर आतंकवादी। मुझे डर लग रहा है। तुम बुद्धू हो, इतनी फिल्में मत देखा करो। डॉक्टर विचाय, अपनी बात कहिए। हाँ ठीक है, 2 महीने पहले जब यहाँ पर गहरी खुदाई हुई अंडरग्राउंड टनल में, थोड़ा सा आगे हमने ये सीधे मुद्दे पर आइए डॉक्टर। सॉरी। हाँ तो हम लोगों को अधिकारियों ने बुलवाया और हमें ये दिखाया। यही इकलौता हिस्सा है हमारे पास, बाकी खुदाई के समय ही टूटकर बर्बाद हो गया। इसे देखो तो डिम, वाह क्या चीज है, अद्भुत। पर जबड़ा तो बिल्कुल प्राचीन पक्षियों जैसा ही है, तो इसका मतलब है नए युग की शुरुआत। अंकल, ये हड्डी का टुकड़ा इन्हें कहां मिला? क्या बात है? वहां ऐसे टुकड़े और भी हो सकते हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? इस कंकाल के सिर पर लगी गहरी चोट किसी ऐसे नाखून से लगी है जैसा कि लीना के पास पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब जिस जानवर ने ऐसा किया है वो आसपास ही कहीं मौजूद था। एक नाखून? बिल्कुल ऐसा। मेरे डैड का कहना था कि ऐसा जानवर अक्सर झुंड में रहता था। भारत में ऐसे कई कंकाल पाए गए हैं। सब तैयार हो जाओ, हम इन्हें अंदर ले जा रहे हैं। शायद वैसा ही होगा, लगता तो है। तैयार रहो। उन पर नजर रखो। मुझे लगता है कि यह चट्टान करीब 80,000 साल पहले की होगी।
हाँ कहो। इधर आओ जरा, ये सुनो। क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? ये गुफा है। देखिए, इसे तोड़ने से पहले हमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि हम इसे खोलना चाहते हैं। अगर दूसरी तरफ एक गुफा है तो हम तुम्हारे लिए नहीं रुकेंगे। वेट। उड़ा दो इसे। ओके सर। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। तुम जानते भी हो ये जियोलॉजिकल सबूत है। लीना। पर अंकल, ये इतने जरूरी सबूत को इस तरह से नहीं मिटा सकता। लीना, शांत रहो। टिम, क्या तुम पागल हो गए हो? टिम! ये काम हम जैसे फौजियों का है, किसी शहरी का नहीं। मुझे जाने दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे जाने दो। ये तुम गलत कर रहे हो। अंकल विचाय, मदद कीजिए। आप चुप क्यों हैं? ओह, तो ये बात है। मेरे डैड का काम चुराकर खुद वाहवाही लूटना चाहते हैं। नहीं लीना, आप ऐसा नहीं। सार्जेंट, मुझे छोड़ दो। बंद कर दो इन दोनों को। तुम ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो।
फौजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हमारे पास भी हक है, ये गैर कानूनी है। मैं यहां से निकलने के बाद तुम पर केस करूंगी। देखना तुम इस हरकत के लिए बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। हम आजाद देश में रहते हैं बेवकूफ। बस करो लीना, कम से कम जरा धीरे तो बोलो। अगर तुम इतना ज्यादा ना बोलती तो शायद मेरी गर्लफ्रेंड होती। क्या कहा तुमने? भूल जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? भागने का इंतजाम। पागल हो तुम इन छोटे मोटे औजारों से। टिम, तुम वाकई बहुत फिल्में देखते हो, तभी तुम्हारा दिमाग ऐसा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। आ रही हो या मैं जाऊं? क्या इतनी रोशनी काफी है तुम्हारे लिए? हाँ हाँ काफी है। ठीक है, जरा संभाल के। ठीक है। परेशान किया हो आपको तो माफ कर दीजिएगा। मुझसे गलती हो गई, माफ करना, माफ करना मुझे, माफ कीजिए। माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। इतना परेशान मत हो, सब जानते हैं कि वो बस एक हादसा था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे ऐसा, मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक हादसा था। अगर हमें यहाँ कोई सबूत मिल जाता है तो वो हमें खोजबीन करने की इजाजत दे देंगे।
लीना। क्या बात है लीना? क्या वो देखो, शूट करो। मुझे यकीन नहीं होता। जरा देखो इसे, कितना अद्भुत नजारा है। लगता है जैसे सो रहा है। शूट किया, ये बहुत ही कीमती है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। बेवकूफ हो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लीना भागो। विट के साथ जाओ सर। क्ला टनोंग मेरे साथ आओ सर। जाओ लड़की को ढूंढो, उसे कुछ मत करना। ये ठीक है, स्विच ऑन कर दो। ओके। कोई फायदा नहीं, सब टूट चुके हैं। ये सब करना इतना जरूरी था क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अच्छी कहावत है, क्यों है ना? मैं कोई भूत नहीं हूं, यह तो गलत बात है। और ये निशान, ये क्या है? सुंदर है। ये सिर्फ सुंदर ही नहीं है। मतलब क्या ये तुम्हारे लिए खास है? बिल्कुल, तुम थाई नहीं हो ना, इसलिए तुम नहीं समझोगे। सुनो, मैं काफी कुछ जानता हूं तुम लोगों की संस्कृति के बारे में। चाहो तो तुम आजमा लो मुझे। ये निशान देख रहे हो, हम मंत्रों से जुड़े हैं तो इसका इस्तेमाल बुरी आत्माओं के खिलाफ कर सकते हैं, और हम लोग इसे अद्भुत खंजर कहते हैं। अब खुश हो? अद्भुत खंजर, काफी दिलचस्प है। यानी तुम एक तरह के निशानेबाज हो, ठीक है ना? और वो क्या है, वो जो तुमने गले में पहना हुआ है? शायद कोई तावीज या कुछ? क्या ये नागा? नागा क्या? ये देखो, तुम विदेशियों ने शायद इसे कुछ समय पहले पकड़ा था। पास से देखो,
भूल जाओ, ये नकली है। असली वाला तो इससे बहुत बड़ा है। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, क्या तुम किसी खास दल के आदमी हो क्या? और तुम लोग सेना में करते क्या हो? पहले ही कह चुका हूं, हमारी संस्कृति बिल्कुल अलग है। भूल जाओ, तुम इसे नहीं समझ पाओगे। देखो मैं कह चुका हूं, मैं तुम्हारी संस्कृति की इज्जत करता हूं। अब बताओ तुम किस तरह के सैनिक हो? क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हमारा काम है शैवानों को मारना। छुपना बेकार है। तुमने तो कहा था तुम हमला नहीं करोगे, अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। हो सकता है, पर मेरे वादे से मेरा फर्ज ज्यादा मायने रखता है। कौन से फर्ज की बात कर रहे हो? अपनी खोज को सब लोगों से छुपा कर रखना? लोगों को सब कुछ जानने का हक है। तुम वक्त बर्बाद कर रही हो, बाहर आ जाओ। उसे छुपाया क्यों जाए? वो तो बस एक जानवर का जीवाश्म है, भला वो क्या बिगाड़ लेगा? क्या कह रही हो सकता है वो कुछ और हो। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो सिर्फ एक जानवर का जीवाश्म है? अब ये मत कहना कि वो एक शैतान है, ये बकवास है, बिल्कुल वाहियात। तुम जानते भी हो इसी अंधविश्वास की वजह से मेरे डैड को अपनी जान खोनी पड़ी। अंधविश्वास? हाँ, आखिर तुम जानती क्या हो? तुम और तुम्हारे पिता विदेशी हैं। उनके वाहियात सिद्धांतों को तुम अपने ही पास रखो, उन्हें नर्क में सड़ने दो। हे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसा कहने की? एक असली थाय किसी के पिता को गाली नहीं देता। उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं भी एक थाय हूँ, मुझे भी थाईलैंड से प्यार है, पर मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर विज्ञान कुछ समझा सकता है तो थाई लोगों को जानना चाहिए। अरे लड़के या पटाखा बोले ही जा रही है। बहुत ही खुदकर हो, मतलब ही हो। थाई लोग ऐसे नहीं होते, तुम उन लोगों से नफरत करते।
क्यों है ना। चल बारा बारा। गोली चलो कवर दो। सब हो क्या रहा है, आखिर बात क्या है? तुम्हारी जगह मैं होता तो यहीं रुकता।
सुनो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। यहां कुछ गर्मी बढ़ गई है, थोड़ी हवा खाने जा रहा हूं। सुनो, हे, रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। रुको, मैं भी लड़ सकता हूं, मेरे हाथ भी मजबूत हैं, मैं लड़ सकता हूं। ये देखो, एक, दो, मुझे यहां कुछ भी ठीक नहीं लगता, और मैंने तुम्हें यहां रुकने के लिए कहा था, क्या तुम पागल हो? कम सुनते हो क्या? वो बात यह कि मैं उस चीज से बहुत ही डर गया था। तुम सुरक्षित हो, अगर तुम यहां से नहीं निकले तो। यही रहना, कहीं मत जाना, वरना वो तुम्हें निकल जाएगा, समझे? निकल जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब है तुम्हारी मौत, समझ में आया खोचू? तो तुम ही अंदर आ जाओ, मेरे साथ छिप जाओ। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, तुम्हारी तरह कायर नहीं। यहां तो बहुत अंधेरा है। डरो मत, हमारा काम तुम जैसे बेवकूफों को बचाना है। सुनो, यहां से निकालो मुझे, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं।
सुनो, मैं भी लौट सकता हूँ। तुम सुन रहे हो? यह एक इंसान है, सुनो। अरे मैं भी इंसान हूँ। तुम गए काम से, खेल खत्म। तुमने उस राक्षस को देखा? अब वो चला गया। तो तुमने देखा उसे? हाँ बिल्कुल, दो बार देखा उसे। दो बार? फिर भी तुम जिंदा हो? जरा यहाँ आओ टिम, हमें उसे बचाना होगा। क्या तुम पागल हो गई हो? आखिर वो एक राक्षस है, वो एक हुनी है, मैं उसे क्यों बचाऊंगा? वो हमें भी मार देगा। टिम, वो पक्षी अभी अभी नींद से जागा है, उसके लिए ये दुनिया नई नहीं है, अंधकार से भरी है। तुम उसकी जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता? मैं किसी को मारता नहीं हूँ और मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। टिम, उस पक्षी के जिंदा होने का बस यही एक पुख्ता सबूत है। मैं इसके लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकता। लीना, तुम पागल हो गई हो, ये आइडिया एकदम बकवास है। लीना, अगर तुम मदद नहीं करोगे तो मैं ये खुद कर लूंगी। लीना 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 लीना, हम मर सकते हैं। कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, बताओ हम क्या करें। हमें उसे फौजियों से दूर करके किसी सुरक्षित जगह ले जाकर उसे शांत करना होगा। तुम्हें यह आसान लगता है, पर हम करेंगे कैसे? बस मुझ पर भरोसा रखो। और अगर जिंदा हो तो जवाब दो,
बस करो। फोन उठाओ। तुम्हारे जैसा पत्थर दिल मर कैसे सकता है? फोन रख दो। बाहर निकलो। अब क्या करें बताओ? इमरजेंसी कार्यवाही शुरू कर दो। ये इतना आसान नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन हालात में हम क्या करें। हां, इतनी बुरी तरह हम कभी नहीं पिटे। ये आम दरिंदा नहीं, एक हैवान है। इसे पहचाना? ये उन सब के नाम है जो काली शक्तियों के हाथों मारे गए, वो जो हार गए। ये हरदम मेरे पास रहता है ताकि मुझे याद रहे कि जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, जो मेरे फर्ज के रास्ते में आ रहा है, उसके सामने कभी ना झुकूं। फिर चाहे वो इंसान हो या फिर कोई हैवान, कोई भी मेरी तकदीर नहीं बदल सकता। फिर चाहे वो जो कोई भी हो, हमसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वो अन्याय करेगा तो फिर उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, उसे मरना ही होगा। हथियार डालने से बेहतर है कि हम अभी इसी वक्त एक साथ खुदकुशी कर लें। आप जैसा भी कहें, हम आपके साथ। मैं भी। ये हमारा अड्डा है, हमें वो गुफा उड़ानी है। वेट, तुम बम को यहां लगाओ। नई सुरंग, ठीक जाओ फियो नदी के नीचे। अगर हमने दीवार उड़ा दी तो बस एक ही सेकंड में सुरंग में पानी भर जाएगा। ट्राई, तुम यहां रुकोगे। बॉल, तुम मुझे कवर दोगे। हमारा उद्देश्य है उसे रोकना, लेकिन अगर उसे मारना पड़े तो हिचकिचाना मत। बॉल, तैयार हो? यस सर, मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर मैं उसे मार नहीं पाया तो और भी तरीके हैं मेरे पास, बस एक मौका मिल जाए। जितना मैंने कहा है तुम सिर्फ उतना ही करो। घबराना मत, मेरी नजर तुम पर है और उन सब पर जो इस गुफा में। कितना अंधेरा है। अच्छा ही है ना, इस तरह हमें कोई देख नहीं पाएगा। वो एक विशाल पक्षी है। अगर हम उसे नहीं देख सकते
तो फिर वो भी हमें नहीं देख पाएगा। वो एक विशाल पक्षी है, उसकी आंखें भी तेज होंगी, एक बांस की तरह। ठीक है, अगर तुम डर रहे हो हाँ हाँ, तो यहीं रुक जाओ। हाँ हाँ, मैं अकेली जाती हूँ। मैं डर रहा हूँ। क्या तुम अकेली जाओगी? अब चलो भी। अरे सर, वो बेवकूफ लड़की फिर आ गई, मेरे निशाने पर। आप कहें तो मार दूं? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, उस पर नजर रखो। बिल्कुल हिल जाओ, वरना भारी जाओ। तभी यहां इतना अंधेरा है। वेट, यहां आओ जल्दी।
लीना! बताओ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझती हो ना? क्योंकि तुम्हारी सोच अलग है तो तुम बाकी लोगों का मजाक उड़ाओगी, उन्हें गलत बताओगी। सिर्फ तुम सही हो, बाकी सब गलत हैं। खुद को थाई कहती हो ना? थाई लोग हमेशा हमेशा दूसरों की इज्जत करते हैं। तुम थाई नहीं हो, तुम थाई नहीं हो सकती। आज जितने भी लोग मरे हैं वो सब तुम्हारी वजह से। नहीं हो सकती। तुम थाई नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेरे दोस्त ने भी जान गंवाई है। शायद तुम खुश हो कि इस बाढ़ में उस जीवित जीवाश्म के सारे सबूत खत्म हो गए। इन सब के लिए मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मैंने तो शैतान को बाहर भी नहीं निकाला था। क्या यह गलत है कि मैं अपने डैड को सच्चा साबित करना चाहती हूँ? जरा संभाल कर चलना।
जल्दी चलो, ट्रेन के आने से पहले हमें स्टेशन पहुंचना होगा। तुम और ये फौजी धमाके से दूर भाग रहे थे, तो मैंने भी गहरी सांस ली और पानी के बहाव में कूद गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे तैरना आता है, इसलिए मैं बच गया। अब चलो, चलते हैं। दया, प्लीज ऐसे क्यों कह रही हो? प्लीज एक बार, प्लीज एक बार। शर्माती क्यों? यह सार्वजनिक जगह है, यह तुम्हारा किस बीच कहीं और करने का? है लाइन नहीं दिख रही का? पीछे हो जाओ। लाइन मारने के चक्कर में लाइन नहीं देखते ससुर। हाय, हेलो, हाउ आर यू डूड? कहा कहता रहते हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ बस ऐसा नहीं। अरे क्या कर रहा है तुम दोनों? अरे पीली लाइन के पीछे खड़ा रहना है। अरे रुका, बात सुनाई नहीं देती का? हम का माफ कर दीजिए। चलो निकलो, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आगे जाते हैं। भैया तमंचा तो निकलो। कृपया ध्यान दीजिए, आखिरी गाड़ी बैंकॉक से चलकर आ रही है, उसका अगला पड़ाव है सिलोन। बताया ना, मैं एक फौजी हूँ। कृपया ध्यान दे, अपने सुपरवाइजर को फोन दो। से आ रही है, उसका अगला पड़ाव है सिलोन। सर जी, यात्री कृपया ध्यान दे, आखिरी गाड़ी बैंकॉक से आ रही है, उसका अगला पड़ाव। हम वापस अपनी ड्यूटी पर चले जाएं सर जी? यात्रियों से निवेदन है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली गाड़ी इस स्टेशन की आखिरी गाड़ी है। कृपया पहले यात्रियों को उतरने दें और उसके बाद चढ़ें। कृपया ध्यान दें, ये गाड़ी इस स्टेशन की आखिरी गाड़ी है जो बैंकॉक से चलकर सिलोन जाएगी। धन्यवाद। लीना, वहां देखो। रुका, देख कर चलाओ। कहीं के वो निशान को जाने पहचाने हैं। इसका मतलब
और उस तरफ ध्यान रखना, ठीक है? आखिर तुम आ ही गए। मुझे यकीन नहीं होता, कमाल है, अपनी दोस्त को भी साथ में लेकर आए हो। क्राई, तुमने कितने आदमियों को भेजा है? खास दल से 12 लोगों को। उन्हें ऊपर आने को कहो, इलाके को घेर लो। तनोंग, मुझे एक गन दो। सो बेस से 135 को बुलाओ। अरे मुझे जाने दो, पीछे, मैं जानता हूँ। चलो पीछे रहिए, पीछे रहिए। वहाँ बोलो, मैं उन्हें जानता हूँ। तुम्हें कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा, वो रहे वहाँ। पीछे रहिए, पीछे। वो मुझे देखो, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मेरे दोस्त है। नहीं, किसी को जाने पीछे मुड़ कर तो देखो, वो मेरे दोस्त है, मुझे बुला रहे हैं। हटने को रुक रहा था। 135 फौरन वापस ऊपर आ जाओ, लौट जाओ। क्या तुम सुन रहे हो? वापस लौट जाओ। लगता है ये लोग कभी नहीं थकते, लेकिन मैं तो थक चुका हूं। मेरा फेवरेट। नहीं कर सकते, खुद को संभालो लीना।
नहीं, वैसे कल डिस्को में बहुत मजा आया था। अच्छा तुमने? हाँ? अच्छा, अब हमें एक चलना चाहिए। प्लीज, अरे मैं खिलाऊंगा, बिल भी मैं ही दूंगा। अरे कहाँ जा रही हो? अरे रुको, अरे ये क्या है? रात 12 बजे सरकार ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घरों से ना निकलें। हमारे संवाददाता इसका पता लगा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। मुझे इस घटना के बारे में पहले से क्यों नहीं बताया गया? हाँ, मैं जवाब का इंतजार कर रहा हूं। आप जानते हैं कि हमारा मिशन बहुत गुप्त है और उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई है। तो बताओ अब मैं क्या करूं? तुमसे तो एक काम हुआ नहीं, तो क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा पैसा? कैसा पैसा? मुझे तो खबर ही नहीं थी, किसी ने मुझे बताया ही नहीं। आप कुछ ना बोले, बैठ जाइए। ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए मैं, आप तो कह रहे हैं, नहीं नहीं मेरी, हम थाई ऐसे क्यों हैं? लड़ने के बजाय हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान लगाना होगा। जरा मरने वालों के बारे में सोचिए, ना कि अपने स्वार्थ के बारे में। अब मेजर की रिपोर्ट सुनिए प्लीज, इससे पहले कि ये शहर बर्बाद हो जाए। सर, वो जीव बहुत ही तेज है। हमारे सभी पैंतरों का मुकाबला करने की वो भरपूर शक्ति रखता है। एक बात जान लीजिए, अगर वो इसी तरह उड़ता रहा तो उसे मारना नामुमकिन हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तुम ही बताओ, तुम उसे खड़ा कैसे रखोगे? हाँ, जल्दी बताओ, योजना बताओ, कहानी मत सुनाओ हमें। हमें चारा डालना होगा। ये डॉक्टर पियर की बेटी है सर। सुझाव मुझे काफी अच्छा लगा, यह काम करेगा। तो बताओ, क्या तुम चारा बनने को राजी हो? बिल्कुल डरना मत लीना,
हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। टनोंग और क्राय वहां सामने वाली बिल्डिंग में है। वो उसे गोलियों से भूनने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे पास एक रेडियो मेजर होगा। इस अभियान के तहत हम किसी भी तरह के रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि रेडियो तरंगे उन तरंगों को खो देंगी जिन तरंगों से मैं उसे बुलाऊंगी जो कि उसे सुनाई देती हैं। और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा खतरा मत उठाना। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? वैसे देखा जाए तो हाँ, अब तक तो हम सब आराम ही कर रहे थे, लेकिन असली मजा तो अब आएगा।
सब बनेंगे। Ah!
मैं उसे सीधे नर्क भेजता हूं।